नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले पीएनबी महा घोटाले को लेकर। जी हां, पीएनबी घोटाले को लेकर बड़ी खबर है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 12,700 करोड़ रुपए के कथित घोटाला मामले में बीते दिनों एक विशेष अदालत ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। धन शोधन रोकथाम कानून के तहत गठित अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। प्रवर्तन निदेशालय उन एजेंसियों में से एक है जो पिछले महीने सामने आए इस बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 7 देशों मलेशिया, आर्मेनिया, फ्रांस, चीन, जापान, रूस और बेल्जियम के लिए मांगे गए लेटर्स ऑफ रोगेटरी आवेदन को भी स्वीकार कर लिया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों प्रमुख आरोपियों नीरव और चौकसी को तलब किया था। हालांकि इन दोनों आरोपियों के बारे में माना जाता है कि आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले वे देश छेड़ चुके हैं, यानी कि देश छेड़ चुके हैं। और देश छोड़ने के बाद देखिए, ये दोनों प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए, जिसके बाद निदेशालय ने गैर जमानती वारंट हासिल करने के लिए पीएमएलए अदालत का रुख किया। प्रवर्तन निदेशालय ने 27 फरवरी को अदालत का रुख किया था और नीरव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया था। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि उसने नीरव को पेशी के लिए 3 बार समन भेजा था। एजेंसी ने बताया कि उन्हें नीरव मोदी की तरफ से 2 समन का जवाब आया है। दूसरे समन की प्रतिक्रिया में नीरव मोदी ने कहा था कि वह अपने करीबी प्रतिबद्धताओं की वजह से एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो सकते। वहीं तीसरे समन में कारोबारी ने अपनी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया था। तो देखिए, जिस तरह से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, और आपको मैं बता दूं कि ईडी ने नीरव मोदी की कई संपत्तियां जब्त कर ली है। जी हाँ, ईडी ने नीरव मोदी की कई संपत्तियां जब्त कर ली हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि नीरव मोदी ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो जो है बैंक का किराया वापस नहीं लौटा सकते। आइए मैं आपको दिखा दूं किस तरह से उन्होंने कहा था कि वो बैंक का किराया दोबारा वापस नहीं लौटा सकते। घोटाले के बाद नीरव मोदी का पहला बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पीएनबी का बकाया नहीं चुका सकते। नीरव मोदी ने कहा कि उनकी संपत्तियां कंपनियों पर छापे डाले गए और कंपनियों पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद उसके लिए पीएनबी की बकाया राशि को चुकाना संभव नहीं है। देश के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी के मुख्य कर्ता धर्ता नीरव मोदी ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक ने मामले को सार्वजनिक कर उसे बकाया वसूल करने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके साथ ही मोदी का दावा है कि पीएनबी का उसकी कंपनियों पर बकाया बैंक की बताई गई राशि से बेहद कम है। पीएनबी मैनेजमेंट को लिखे पत्र में मोदी ने कहा कि उसकी कंपनियों पर बैंक का बकाया 5,000 करोड़ रुपए से कम है। आपको बता दें कि ये पत्र जो है बैंक ने दिखाया भी था। नीरव मोदी के मुताबिक गलत तौर पर बताई गई बकाया राशि से मीडिया में हो हल्ला हो गया है और इसके बाद तत्काल तौर पर खोज का काम शुरू हो गया और उनकी नई कंपनियों के ऑपरेशन भी बंद हो गए हैं। पत्र में मोदी ने लिखा है, इस समूह पर बैंक ने बकाया को चुकाने की हमारी क्षमता खतरे में पड़ गई है। नीरव मोदी अपने परिवार समेत जनवरी के पहले हफ्ते में ही देश छोड़कर भाग गए थे। नीरव ने कहा कि 13 फरवरी को की गई मेरी पेशकश के बावजूद बकाया को तत्काल पाने के लिए बैंक ने जानकारी दी थी, फरवरी को सार्वजनिक कर दी थी। बैंक की कार्रवाई ने मेरे ब्रांड और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया है और इससे अब बकाया वसूलने की बैंक की क्षमता सीमित हो गई है। तो देखा आपने कि इस तरह से नीरव मोदी ने कहा कि वो बैंक का किराया वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन वाकई में इस सरकार की लापरवाही है कि जिस तरह से 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला नीरव मोदी ने किया, और कहीं ना कहीं ये घोटाला दर्शाता है कि किस तरह से इतना बड़ा घोटाला हुआ और सरकार की नाकामी नजर आई, सरकार की लापरवाही नजर आई। लेकिन एक तरफ मैं बता दूं कि विपक्ष ने भी इस मामले पर निशाना साधा है। जी हां, विपक्ष ने निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार के दौरान में पहला मामला नहीं है। देखिए, नीरव मोदी उससे पहले विजय माल्या और
उससे जुड़े कई और अगर बात करूं रोटोमैक कंपनी के मालिक पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर यह है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है उस पर विपक्ष ने निशाना साधा है। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि अब जो विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधता था वो खुद ही चुप हो गया। जी हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से पीएम मोदी पर नीरव मोदी को लेकर निशाना साधते थे अब वो ही खुद चुप हो गए हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के जो दामाद हैं उन पर भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है और इस मामले पर अब राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है और अब वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही सरकार भ्रष्ट में लिप्त है और कहीं ना कहीं वोटों के लिए जो है जुमलेबाजी की जाती है और जनता को लुभाया जाता है। लेकिन अगर नीरव मोदी की बात करूं तो नीरव मोदी ने साफ तौर पर तो ये बता दिया है कि वो पैसा नहीं लौटा सकते, लेकिन जिस तरह से ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही है और प्रवर्तन निदेशालय जिस तरह से नीरव की कंपनियों पर धड़ाधड़ छापे मार रहा है उससे साफ रूप लगाया जा सकता है कि सरकार ने इस मामले पर कड़ा रुख अपना रखा है और वो कोई भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन अगर बात करूं मेहुल चौकसी की तो दोनों के खिलाफ, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तो ये देखने वाली बात तो ये रहेगी कि किस तरह से, जिस तरह कह सकते हैं कि दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी का भी आरोप इन पर लगा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से विपक्ष ने इस मामले पर आपको, हाँ जी हाँ, विपक्ष ने नीरव मोदी मामले पर बीजेपी को जो है आड़े हाथों लिया था। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। पंजाब नेशनल बैंक महाघोटाले के आरोपी नीरव मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने के आने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। इस पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है जो कांग्रेस को रास नहीं आई है। इस महाघोटाले को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को चौतरफा घेरा है। कांग्रेस ने इस महाघोटाले के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि सरकार ने इस महाघोटाले को कांग्रेस सरकार का पाप करार दे रही है। कांग्रेस ने सवाल किया कि पीएम मोदी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी दावोस गए थे, ऐसे में आईबी कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने के लिए नीरव मोदी को जाने कैसे दे सकती है। कांग्रेस ने कहा कि पीएनबी महाघोटाले के बाद नीरव मोदी कानून से बचकर भाग रहा है, जिसकी पीएम मोदी को खूब जानकारी थी। ऐसे में इस पर यकीन नहीं किया जा सकता कि पीएम मोदी और नीरव मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस ने कहा कि जब दावोस में पीएम मोदी ने नीरव मोदी के साथ मंच साझा किया था उस समय नीरव मोदी पर कानून के तहत आरोप स्थापित हो चुके थे। नीरव मोदी को कांग्रेस छोटा मोदी भी करार दे रही है। उधर केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के साथ नीरव मोदी की तस्वीर आने के बाद सफाई दी है, साथ ही कांग्रेस को सख्त नसीहत दी है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दावोस दौरे के समय नीरव मोदी पीएम मोदी के प्रतिनिधित्व मंडल का हिस्सा नहीं थे, उनके साथ सुरक्षाकर्मी और सरकारी मीडिया थे। उन्होंने कहा कि दावोस में पीएम मोदी और नीरव मोदी के बीच ना तो कोई बातचीत हुई ना ही कोई बैठक हुई। सरकार के सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने दावोस में कुछ बैठक की थी और इसके बाद वहां से वो चले गए थे, लेकिन तभी उनको फोटो क्लिक करवाने के लिए कहा गया। इस पर उन्होंने मंच पर मौजूद लोगों के साथ फोटो खिंचवाए और फिर चले गए। सरकार ने कहा कि सभी कारोबारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने खुद गए थे और वो सरकार की ओर से नहीं गए थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नीरव मोदी को छोटा मोदी कहकर पीएम मोदी का अपमान करना बंद करें, वरना हमारे पास उनके नेताओं की अतरंग तस्वीरें हैं। यह महाघोटाला कांग्रेस का पाप है। उन्होंने यह भी कहा कि इस घोटाले में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर दावा किया कि नीरव मोदी को पीएम मोदी के साथ दावोस में देखा गया था। राहुल ने लिखा कि भारत को लूटने का तरीका नीरव मोदी ने समझाया है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को गले मिलो, दावोस में पीएम मोदी के साथ भी दिखो। राहुल ने लिखा कि देश के 12,000 करोड़ रुपए चुराओ और विजय माल्या की तरह देश से पैसा लेकर भाग जाओ। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दौरान सरकार से मुंह देखती रह गई। राहुल ने अपने ट्वीट में कहा कि सरकार बहुत ही ढीला रवैया अपना रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से नीरव मोदी मामले को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने अपने आप में दिखाता है कि जिस तरह से नीरव मोदी का जो मामला देखने को मिला था वो
अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ता जा रहा है, क्योंकि जब से कार्ति चिदम्बरम का मामला शुरू हो गया है और बीजेपी ने कार्ति चिदम्बरम को लेकर जो खुलासे किए हैं वो दिखाता है कि बीजेपी नहीं कांग्रेस सरकार में भी भ्रष्ट लोग हैं और जिस तरह से घोटाला किया गया है। अगर बात करूं मैं कार्ति चिदम्बरम की, जी हाँ, कार्ति चिदम्बरम पर भी INX मीडिया घोटाले का आरोप लगा है और ईडी लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ उनसे जुड़े कई और दस्तावेज बरामद किए गए हैं, तो कुल मिलाकर यह है कि कार्ति चिदम्बरम की अब मुसीबतें और बढ़ गई हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और जिस तरह से संलिप्तता पाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के लिए एक बुरी खबर है। लेकिन देखने वाली बात तो ये रहेगी कि 2019 में लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतती है। बहरहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।